और अब बात करते हैं रीवा की, जहां जिला प्रशासन द्वारा आयोजित बृहद रक्तदान शिविर का आयोजन कृष्णा राज कपूर ऑडिटोरियम रीवा में किया गया, जो कि सुबह 9 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक चला। गंभीर रोगियों के ऑपरेशन तथा उपचार के लिए जिला चिकित्सालय एवं संजय गांधी हॉस्पिटल में ब्लड बैंक में रख दिया जाता है। पर्याप्त मात्रा में रक्त उपलब्ध कराने के लिए विशाल रक्तदान का आयोजन अनिवार्य था। रक्तदान शिविर में जिला प्रशासन और सामाजिक संस्था द्वारा 438 यूनिट रक्त एकत्रित हुआ, जिसमें 111 महिलाएं तथा 327 पुरुषों ने रक्तदान किया। इसमें विप्र सेवा संघ के द्वारा 30 यूनिट और सहयोगी के द्वारा 20 यूनिट रक्त एकत्रित किया गया। विप्र सेवा संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजीव शुक्ला ने बताया कि जून महीने में जिला अस्पताल हमारी टीम ने सर्वाधिक रक्तदान किया था। उनका रक्त 3 लोगों के काम में आएगा, इस बात की उनको खुशी है। संगठन के पीआरओ डॉक्टर आरती तिवारी अपनी टीम के साथ उपस्थित रही। कार्यक्रम में मुख्य रूप से कलेक्टर मनोज पुष्प और कमिश्नर अनिल सुचारी, पुलिस अधीक्षक नवनीत भसीन, सीएमएचओ नरेंद्र मिश्रा, अपर कलेक्टर शैलेंद्र सिंह, एसडीएम अनुराग तिवारी, तहसीलदार यतीश शुक्ला, ब्लड बैंक प्रभारी डॉक्टर लोकेश त्रिपाठी, जन अभियान परिषद के संभागीय कोऑर्डिनेटर प्रवीण पाठक, अमित अवस्थी, जिला पंचायत सीईओ स्वप्निल वानखेड़े सहित विप्र सेवा संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजीव शुक्ला, डॉक्टर आरती तिवारी, पीआरओ पुष्पा शर्मा सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी और पदाधिकारी शामिल रहे। राजीव शुक्ला, राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित पाठक, अन्नपूर्णा मिश्रा, राकेश तिवारी, रजनीश तिवारी, अविनाश उर्मलिया, अलका मिश्रा, रवि शुक्ला, मोहित दुबे, शत्रंशु मिश्रा, अभिषेक मिश्रा, अंकित बघेल, जया पांडे, अभिषेक शुक्ला, अमित त्रिपाठी, विवेक द्विवेदी, विवेक संजय तिवारी, प्रभात पुनीत, शैलेंद्र नरेंद्र, आयुष सौरभ बघेल, वरुणेंद्रा बघेल, प्रशांत बघेल आदि अन्य लोगों को रक्तवीर बनाया गया है। रक्तदान पहली बार कर रहा हूँ, ज्यादा ही खुशी हो रही है मुझे। अच्छा, मैं मतलब मेरी अच्छी किस्मत है कि मैं विप्र सेवा संघ का सदस्य हूँ।